नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को धन धान्य का वरदान देती है। लेकिन बात करें अगर सावन सोमवार की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन शुक्रवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, साथ ही करियर और कारोबार में ऊंचा मुकाम प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सावन के पहले शुक्रवार पर वीडियो में बताए गए आसान उपाय अवश्य करें। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सावन शुक्रवार पर गंगा जल या दूध में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लड़कों की कुंडली में शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो सावन के पहले शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान के बाद शहद और सुगंधित मिश्रित गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। ज्योतिषों की माने तो शुक्रवार के दिन विवाहित महिलाओं को सावन के पहले शुक्रवार के दिन संध्या काल में श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। इससे वैवाहिक संबंध मजबूत होते हैं। सावन के पहले शुक्रवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करें। इस समय माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, वहीं महादेव को श्वेत वस्त्र भेंट करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।